बड़ी खबर, भर भर कर वोटिंग हो रही है हरियाणा में। क्यों? क्योंकि हरियाणा में 60% मतदान हो चुका है सिर्फ 4 बजे तक। जबरदस्त वोटिंग। 3 बजे तक महाराष्ट्र में 42% मतदान, यानी महाराष्ट्र में भी वोटिंग पिक करती है। 1 बजे तक मुंबई में 25%। और यह वो घंटा है जब वोटिंग में एकदम से तेजी देखी जाती है, 4 बजे से लेकर तकरीबन 5 बजे तक एकाएक तेजी देखी जाती है। लोग लंच करने के बाद घर से निकलते हैं और आते हैं और वोट देते हैं। काफी वोटिंग चल रही है इस वक्त। महाराष्ट्र की बात की जाए, मुंबई में 25% वोटिंग थी 1 बजे तक, लेकिन उसके बाद एकाएक वोटिंग बढ़ी है। हरियाणा की बात की जाए तो 4 बजे तक 60% वोटिंग हो चुकी है। हरियाणा और महाराष्ट्र में वोटर घर से निकल रहे हैं। शाहरुख खान अपना वोट डाल के निकले। अरे यार प्रेम में सुनीता प्रेम में एक्चुअली ये सेल्फ रियलाइजेशन एक्टर लोग या पब्लिक फिगर्स बोलते हैं वोट दो आई थिंक इट्स नॉट सच अ थिंग टू डू। फ्रेम में आ रहा है यार, क्या कर रहा है, बोले रे। As soon as people realize how important it is, पीछे से ले बाद में ट्रांसफर लेना, रुक ना जरा। I've always said, I think everyone knows, हम लोग वही बात बार बार बोलते रहते हैं कि it's your right, और वो right है जिसे आप डिमांड कर सकते हैं, उससे कंप्लेन कर सकते हैं, but unless you exercise this right, you cannot be asking for anything else. So please come and exercise your right, and that's it. But I don't think celebrities should just keep on saying, please come and vote. बार 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 कहना चाहेंगे आप? So that means celebrity saying please come out and vote is actually a useless thing. Nahi been saying but everyone should come out, you know, if you want your voice to be heard, if you want your city, your state, your country to be the way it should be, I think everybody should come out and vote, and that's the best way to do it. Ishi bar shadow aifa tha ki baat kare, aise kaun se issues hai jo aapko lagta hai ki address kiye jane chahiye aapki constituency? Too short in situation to be starting talking about this in detail. So some other time when we sit down and chat about state and country politics, we'll talk about this. Shahrukh, show your fingers, please. Show your fingers. Thank you, sir. I'm no one to pass a judgment on why people would come out or not come out to vote. Everyone knows it's an important thing to do, and you should do it. And if somebody's not doing, I'm assuming they have a good enough reason. Though I personally feel there's no good enough reason not to vote. शाहरुख खान अपनी हैप्पी न्यू ईयर के प्रमोशन से निकलकर वोट डालने जाते हैं और कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि हैप्पी न्यू गवर्नमेंट हो सकती है क्या। लेकिन उद्धव ठाकरे का बयान आपने सुना, क्या बोल रहे थे उद्धव ठाकरे? इस वक्त आपको बड़ी खबर यह बता दें कि जमकर वोटिंग हो रही है। थोड़ी एक चिंता थी कि आखिर मुंबई में 10% 25% ऐसे वोटिंग चल रही थी, एकाएक पूरे महाराष्ट्र में अच्छी वोटिंग दिखाई दे रही है और हरियाणा में तो कमाल हो गया है। 4 बजे तक हरियाणा में 60% वोटिंग हो चुकी है, यानी कि लोग जमकर निकल रहे हैं। 4 से 5 बजे तक वो समय होता है जब लोग सो सा के आराम से खाना वाना खा के जब धूप थोड़ी कम हो जाती है वोट डालने आते हैं, तो ये दिखाई देता है। हर बार की तरह इस बार भी मुंबई में वोटिंग में सबकी निगाहें सितारों पर थी। सबसे पहले सुबह सुबह रेखा आती हैं, बड़ी संख्या में फिल्मी सितारे मुंबई में वोट डालने के लिए बाहर आते हैं और अपने वोट के साथ उन्होंने लोगों को वोट डालने का संदेश भी दिया। मुंबई में फिल्मी सितारों ने जमहूरियत और चुनाव को लेकर अपना फर्ज अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सलमान खान तो अपने भाई के साथ वोट डालने पहुंचे। ब्लू टी शर्ट में सलमान डैशिंग लग रहे थे और उसी अंदाज में समझाया कि वोट देने का हक है भाई। मैं ये चाहता हूँ कि हर एक आदमी वोट दे और उसको वोट दें जो कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अच्छा करें, और एक वोट देने का जो अधिकार एक होता है, इट्स एक्चुअली अ लॉट ऑफ फन इज वेल। बहुत ही एक अच्छा मैसेज आता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने सिटी, अपने स्टेट, अपने कंट्री से मोह है, प्यार है, मोहब्बत है। सियासत से नज़दीकियाँ बढ़ा चुकी रेखा ने भी वोटिंग के शुरुआती घंटों में ही बूथ की तरफ कदम बढ़ा दिए। आंखों पर चश्मा और हल्के रंग के लिबास में जच रही रेखा के साथ उनकी पक्की दोस्त फरजाना भी थी।
बीजेपी सांसद हेमा मालिनी वोट देने पहुंची तो उनकी बेटी ईशा भी साथ थी। माँ बेटी दोनों ने उंगली लहराकर पैगाम दिया कि वोट देने के हक का इस्तेमाल कितना जरूरी है। अपने जमाने के मशहूर विलेन प्रेम चोपड़ा ने इलेक्शन के अपने हीरो के लिए पूरे जोश से वोट डाला। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के रिलीज का इंतजार कर रहे शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन ने अपने स्टाइल में बताया कि वोट का महत्व आखिर क्या होता है। सबसे दरखास्त करूंगा कि आप आए, आज वोट करें, आज वोटिंग का दिन है। हम सब इस देश के नागरिक हैं और हमारा ये फर्ज बनता है कि आके वोट करें, प्लीज आके वोट करें। लफ्जों के जादूगर जावेद अख्तर को मालूम है कि वोट डालकर वो किस तरह मुल्क की तरक्की के हमराही बन सकते हैं। सो जावेद साहब ने शुरुआती घंटों में ही वोट डालकर इस दिन की शान में अपने अल्फाज बिखेर दिए। वोट तो हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है और हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। गुलजार साहब से लेकर अनुपम खेर और किरण खेर तक ने मुंबई में अपने उम्मीदवार को विधानसभा पहुंचाने के लिए ईवीएम का बटन दबाया। अगर आपने मतदान किया है और आप अपनी मर्जी की सरकार चुन पाते हैं तब आप उनसे सवाल कर सकते हैं। इसीलिए इस हक के लिए आपको जरूर जरूर आना है। आज का दिन घर ना बैठे रहें, छुट्टी ना मनाए, ये ना सोचे फलाना तो आ ही जाएगा। आपकी एक एक वोट कीमती होती, बहुत सारी सरकारें कभी एक वोट से हारी हैं, कभी एक वोट से जीती। इसीलिए आपको आकर अपना हक जरूर यहाँ पर अदा करना है, यू मस्ट वोट। फिल्म मैंने प्यार किया से मशहूर हुई अभिनेत्री भाग्यश्री भी वोट देने पहुंची ताकि सरकार बनने की सियासत में उनकी भागीदारी भरपूर रहे। आज तक ब्यूरो।